जय हिंद बच्चों वेलकम टू द एग्जाम प्रिपरेशन विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा इसके पहले हमने वीडियोस देखे थे आपके जो प्री बोर्ड के चार सेट्स थे उसके फिल इन द ब्लैंक्स उसके डायरेक्टेड उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड योर सप्लीमेंट्री रीडर और इस वीडियो में हमने कवर किए हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसमें मैंने कोशिश की है कि इसके आंसर इतने शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में हो जो कि आप बहुत ही आसानी से याद कर सकें आप इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पे इस वीडियो को दोबारा देखकर इसको रिवाइज भी कर सकते हैं तो आइए अब हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब मुकेश का रवैया साहिब के रवैये से अपनी स्थिति के प्रति अलग कैसे है और इसका उत्तर है मुकेश एंड साहेब बोथ बिलोंग टू वेरी पुअर बैकग्राउंड दोनों ही बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से हैं। मुकेश बिलोंग टू फैमिली बंगल बैंगल मुकेश चूड़िया के परिवार से बिलोंग करता है साहेब इज अ पिकर, जबकि साहेब एक कूड़ा बीनने वाला है मुकेश हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक मुकेश का सपना है मोटर मैकेनिक बनने का He wants to change his condition. वो अपनी स्थिति बदलना चाहता है साहेब डज नॉट थिंक एनी थिंग न्यू साहेब कुछ भी नया ऐसा नहीं सोचता सो दे बोथ और इसलिए उन दोनों का रवैया अलग है कैसे अलग है कि मुकेश अपनी स्थिति बदलना चाहता है और साहेब अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहता साहेब अपनी ही स्थिति में संतुष्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है

एंड ओनर ऑफ अ बुटीक और एक बुटीक की मालिकीन भी मतलब बुटीक भी खोलना चाहती थी इट वॉज अनियलिस्टिक और यह उसकी स्थिति से अलग था इसलिए वो यथार्थ से अलग था राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए इसका आंसर है पोम कीपिंग क्वाइट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोयम कीपिंग क्वाइट एक बहुत ही सुंदर पोयम है which is composed by Pablo Neruda जो कि Pablo Neruda के द्वारा लिखी गई है द पोएट वॉन्ट्स अस टू बी क्वाइट टिल काउंटिंग ट्वेल्व कवि ये चाहते हैं कि बारह की गिनती तक हम चुप रहें He wants us to introspect. वो चाहते हैं हम आत्मनिरीक्षण करें We all keep working and don't think about our health. हम लोग सभी लगातार काम करते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते वी पॉल्यूट द इनवायमेंट हम पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वी शुड स्टॉप ऑल दिस हमें ये सब क्रियाकलाप बंद कर देना चाहिए और ये हम तभी कर सकेंगे जब हम कुछ समय के लिए चुप बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे वट आर द डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन लाइफ वो कौन सी परेशानियां हैं जिनका सामना आंट जेनिफर अपनी लाइफ में कर रही है और इसका उत्तर है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, her her. उनके जो है वो उनका शोषण करते हैं शी लिव्ड हर लाइफ एस पर हर हसबेंड्स रूल्स वो अपने जीवन को अपने पति के बनाए हुए नियमों के अनुसार जी रही है शी a वेडिंग रिंग एज अ बर्डन वो अपनी शादी की जो रिंग है उसको एक बोझ की तरह समझती है मतलब वो अपने जीवन की जो शादी है उनके जीवन में उसे भी वो एक बोझ की तरह समझती है क्योंकि वो अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत नहीं कर पाती और उन्हें अपने पति से डर के रहना पड़ता है हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमोस्फियर इन द स्कूल बर्लिन से आए हुए ऑर्डर ने स्कूल के वातावरण में परिवर्तन किस तरह से कर दिया और इसका उत्तर है देयर वाज वन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन ए बर्लिन से एक ऑर्डर आया था जिसके अनुसार अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन फ्रेंच के स्थान पर पढ़ाई जानी थी द स्कूल वाज वेरी साइलेंट दैट डे स्कूल में उस दिन बहुत ज्यादा शांति थी जबकि आम दिनों में बहुत शोर रहता था मिस्टर एम हेमल वो हिज स्पेशल

Subbu has been described as a many-sided genius. अब आपका जो लेसन है लेसन नंबर सिक्स पोएट्स एंड पैनकेक्स उसमें एक सुब्बू नाम का कैरेक्टर है तो उसे ऐसा वर्णन किया गया उस चैप्टर में जिस जो कि बहुत ही ज्यादा सब तरफ से बुद्धिमान था। लिस्ट फोर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज उसकी चार विशेष योग्यताओं के नाम लिखिए। इसका आंसर है Subbu was a many-sided genius of Gemini Studios. सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज का एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था ही वॉज अ पोएट वह एक कवि था एन एक्टर एक एक्टर था अ नॉवेलिस्ट एक उपन्यासकार था एंड ही कुड प्रोवाइड सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम और साथ ही साथ वो कई परेशानियों का हल भी बता सकता था वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन किसी भी और व्यक्ति की तुलना में सोफी अपने भाई जॉफ को ज्यादा पसंद क्यों करती थी इसका आंसर है सोफी लाइकड हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन सोफी किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने भाई जॉब को ज्यादा पसंद करती थी बिकॉज़ ही स्पोक वेरी लेस क्योंकि वो बहुत कम बोलता था एंड रिमेन लॉस्ट इन हिज थॉट्स और अपने विचारों में खोया रहता था सोफी आल्सो लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन और सोफी भी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहना पसंद करती थी कॉमन कैरेक्टर मेड हर लाइक हर ब्रदर और ये उन दोनों के बीच में जो कॉमन गुण था इसके कारण वो अपने भाई को पसंद करती थी जब भी कभी प्रश्न में डेड और डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका आंसर लिखते में हमें वर्क की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है क्योंकि हमें वहां से डेट को हटाना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अथिंग ऑफ ब्यूटी अथिंग ऑफ ब्यूटी नाम की इस कविता का सेंट्रल आइडिया लिखी

फ्रेंच के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जानी थी। दैट डे वॉज द लास्ट डे टू टीच भाषा को पढ़ाने और पढ़ने का आखिरी दिन था सो द फ्रेंच टीचर एम हेमल टॉट इज लास्ट लेसन दैट डे और इसीलिए जो एम हेमल थे उन्होंने अपना लास्ट लेसन उस दिन पढ़ाया था द फ्रेंच फोर्स टू लर्न जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो फ्रेंच लोग थे फ्रांस के लोग थे उन लोगों को अगले दिन से जर्मन पढ़ने के लिए विवश किया गया था अगला प्रश्न है वट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज क्या कारण था जिसने पैडलर को अपने रास्ते बदलने के लिए या अपने तरीके बदलने के लिए मजबूर किया इसका उत्तर है ये जो प्रश्न है ये आपके लेसन नंबर फोर द रेड ट्रैप से लिया गया है जिसमें एक पेडलर जो रेड ट्रैप बनाने वाला था उसका वर्णन है इसका उत्तर हम लिखते हैं द पेडलर वॉज नेवर ट्रीटेड नाइसली पेडलर के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था बट एडला बिहेव वेरी काइंडली एंड सर्व हिम गुड फूड लेकिन एडला ने जो आयरन मास्टर की बेटी थी उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और उसे अच्छा भोजन प्रस्तुत किया शी ट्रीटेड वेरी रिस्पेक्टफुली विद द पेडलर उसने पेडलर के साथ बहुत आदर पूर्वक व्यवहार किया एग्जाम्पल ऑफ देशनल इंटीग्रेशन दर दर रेफर टू इन द लेसन पोयर्ट्स एंड पैनकेक्स जो राष्ट्रीय एकता जिसका लेखक ने पोयर्स और पैनकेक्स में वर्णन किया है उसके क्या उदाहरण है उसका आंसर है

जो डिपार्टमेंट के हेड थे वो एक बंगाली थे हु बाय और उनके नीचे जो काम करते थे वो एक महाराष्ट्रियन थे तो इस प्रकार से इन सभी लोगों का एक साथ काम करना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था या उदाहरण था अगला प्रश्न है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट सिक्सटी सिक्स माई मदर एट सिक्सटी सिक्स इस कविता का केंद्रीय भाव लिखिए इसका आंसर है The The poem "My "My Mother Mother mother. at at is composed by Kamla Kamla Das. Ye jo hai, My mother at 66, das ke gaya hai. The poetess tells about her her childhood fear and pain of losing उन्हें बचपन से ही जो डर था और एक दर्द था अपनी माँ को खोने का उसका वर्णन किया है mother looked very pale and old. उनकी माँ बहुत ही वृद्ध और कमजोर दिखाई दे रही थी द लुक्स शी लुक्स आउट ऑफ द कास्ट विंडो वो अब कवित्री जो है उस डर से बचने के लिए कार की खिड़की के बाहर देखती है वे यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन आर सिंग जहां पर जो युवा पेड़ है और बच्चे दिखाई देते हैं एट द एयरपोर्ट द पोइटस अगेन लुक्स एट हर मदर एंड से स्माइलिंग सी यू सून अम्मा अब एयरपोर्ट पर जो कवित्री है फिर से अपनी मदर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है जल्दी ही मिलेंगे वो अपने डर को छुपा लेती है और अपनी माँ से मिलने की उम्मीद फिर से प्रदर्शित करती है हाउ डज आंट जेनिफर एक्सप्रेस हर बिटरनेस एंड एंगर टूवर्ड्स हर हजबेंड आंट जेनिफर अपने पति के प्रति जो कड़वाहट है और गुस्सा है उसको किस तरह से प्रदर्शित करती है कढ़ाई की दाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैनी जो टाइगर है जो चीते हैं वो किसी भी आदमी से नहीं डरते आर सिम्बॉल ऑफ ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस वो वीरता और निडरता के प्रतीक है वेडिंग रिंग ऑल्सो टू शो हर एंग शादी की अंगूठी को भी उठा के फेंकती है अपना गुस्सा करने के लिए इस पोयम में वो कौन सी सैडनेस है कौन सा दुख है जिसका कवि वर्णन करते हैं इसका आंसर है द सैडनेस दोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इज जो दुख है जिसका कवि Keeping quiet में वर्णन करते हैं is that people remain busy in doing their work, कि लोग अपना काम करने में व्यस्त हैं। द अर्थ वो पृथ्वी का जो है उसका प्रदूषण पृथ्वी पर प्रदूषण फैला रहे हैं वो रेस्ट नहीं लेते। नीड पीस एंड लव उन्हें प्यार और शांति की जरूरत है आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके जो हिंदी अर्थ मैंने बताए हैं उनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पे सिर्फ चौदह मिनट का ये वीडियो है इसको आप रिवाइज कर सकते हैं सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स